दोस्तों स्वागत करते हैं इस घोड़ा मार्केट में। चलते हैं आज आपको सोनपुर का घोड़ा मार्केट आपको घुमाएंगे और देखते रहिए वीडियो अंत तक दोस्तों, वीडियो में काफी मजा आएगा। और सोनपुर का घोड़ा मार्केट अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अभी मत आइएगा, क्योंकि अब घोड़ा मार्केट पूरा खाली हो चुका है और वीडियो में काफी अच्छा लिया हूँ। लेकिन एक चीज बता दूं दोस्तों, सोनपुर के बारे में सच्चाई क्या है। अगर सोनपुर मेला में थोड़ा घोड़ा दौड़ का मजा ले लीजिए, थोड़ी देर में आपको मैं ले चलता हूँ दोस्तों एक सबसे सुंदर घोड़ा के पास। उस घोड़े का नाम श्वेता रहेगा और सोनपुर का सबसे सुंदर घोड़ा था वो। और सोनपुर अगर रह भी गया है मेला तो सिर्फ थिएटर की वजह से आज मेला चलता है। और ये सोनपुर जो घोड़ा मार्केट है दोस्तों, एक घोड़ा मार्केट ही ऐसा था जो सोनपुर का सबसे बड़ा मार्केट था। और चलिए घूमते हैं दोस्तों सोनपुर का वो सबसे सुंदर घोड़ा कौन सा है, बात करेंगे। दोस्तों 11 लाख समझ सकते हैं, अगर आपको उस घोड़ी को लेना हो तो 11 लाख रुपए लेके आएंगे तभी आपको ये मिलने वाला है। और कुछ ऐसी और चीज करती है, ये देखिए, देख के आपको पता चल रहा होगा, देख सकते कितना सॉफ्ट है, पूरा एकदम साफ सुथरा पूरा। और क्या इसके ऊपर क्या खर्चा रहता होगा डेली का आपका, वो चीज़ ठीक है, लेकिन इसका मिनिमम हम अपने घर पे खर्चा करते हैं लमसम 4 से 5 हज़ार रुपये का डेली का खर्चा। चना देते हैं, ये मिठाई भी खाती है इसको डेली, मतलब 5 से 6 मिठाई इसको डेली दिया जाता है। इसको रनिंग पे ले रनिंग, जी हाँ रनिंग पे भी जाती है, टहलाते हैं इसको, थोड़ा बहुत रनिंग भी करती है। और इसका एक चौताल चाल होता है वो भी बहुत अच्छा चलता है। मतलब ऐसा आपको जब इसके बैठ जब चलेगी तो आपको बैठ के ये नहीं लगेगा कि हम घोड़ा पे बैठे हैं। अच्छा हमको बता नहीं सकते हैं। और क्या क्या खासियत है इसकी, खासियत इसकी बहुत सारी है। पहले जैसे कि जुपिटर ग्रह होता है उसी तरह इसके थोड़ा सा ये देखिए, ये दोस्तों देख सकते हैं, प्रणाम करने के लिए और ऊपर नाम करो, नाम करो सदा प्रणाम। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, घोड़ा का नाम श्वेता है और बहुत सुंदर घोड़ा है ये सोनपुर का। इनके बारे में खासियत तो आप जान गए होंगे। चलते हैं किसी दूसरे घोड़े के पास, ये देखिए शादी बारात वाला घोड़ा है ये, इनका भी दाम शायद 5 लाख के आसपास ही था। अच्छा ये भी बारात शादी वाला है। तो क्या हो रहा है इस धरती पे? सुबह से दौड़ चालू हो जाता है, सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक दौड़ होता है, नहीं तो इनके पैर में जो है ना जंग लग जाएगा। ठीक है दोस्त, लगभग 5,000 से भी ज्यादा घोड़े थे इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट घोड़ा का ही था। और चलते हैं आगे दोस्त, सुबह में आएंगे ना, सुबह 5 बजे को दौड़ाने के काम जो है वो चालू कर दिया जाता है। जितना भी घोड़ा मेले के अंदर सभी घोड़े को इस तरह से दौड़ाया जबरदस्त से आएगा, देख सकते चारों साइड में कितने घुमा के दिखा रहे हैं, कलर है अलग अलग कलर में आपको पूरा दिखेगा। और अब समझ लो कि भाई इतना घोड़ा है दिखता कैसे है, जितना भी है नाचने वाला घोड़ा। ये लोग बहुत जल्द में हैं और जल्द ही भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी का कुछ लोग बिकने के मकसद से आए हैं तो बेच के चले जाते हैं। बहुत लोग इस बार मेले में उतना जान नहीं है, क्योंकि बोला जाए तो ये लोग को भागने का भी सही जगह नहीं मिल पाता और खाने पीने का बहुत दिक्कत हो जाता है, तो ये लोग चले जाते हैं रनवे के लिए। इन घोड़ा को दौड़ने के लिए एक रनवे बनाया गया है जो कि सुबह से शाम तक दौड़ा हो जाता है। और यहाँ पर काफ़ी तरह के अच्छे अच्छे घोड़े मिले हैं, जो कि आपको कैसा लगा दोस्तों घोड़ा मार्केट घूम के, इसमें आपको कौन सी घोड़ा पहचान का है देखिएगा थोड़ा। हम लोग दोस्तों जो गांव में रहते हैं और घोड़ा के बारे में एक मिथ है कि घोड़ा कभी बैठता नहीं है दोस्तों। जब मैं यहां पहुंचा तो घोड़ा सब सुतल मिले हुए थे, रात को घोड़ा ऐसे सोए हुए थे ऐसा लग रहा था कि मर गया है, लेकिन दोस्तों घोड़ा बैठता भी है और सोता भी है, बैठ के ही सोता है, ऐसा लगता है गाय की तरह है।
अब हम लोग चलते हैं थोड़े दूर में दोस्तों जितेंद्र का घोड़ा देखने के लिए, क्योंकि उनका घोड़ा काफ़ी नामी है इस जगह पे। वो 10 साल से ये सोनपुर मेला में आते हैं और उनके पास और भी चीज़ें हैं, सांड है, और ये देखिए ये जितेंद्र का घोड़ा है उनके पास, और ये दूसरा घोड़ा, उसके बाद इनके पास एक सांड भी है और पाकिस्तानी बुल्ला भी है, यानी 3-4 कुत्ते थे और एक हमने ये एक भेड़ है जो लड़ाई में 10 पुरस्कार कम से कम जीत चुके हैं। ये लड़ाकू भेड़ है और ये अजगर भी पाल रखे हैं जो कि सीतामढ़ी गांव से हैं, काफ़ी नामी है। 10 से 15 साल से ये सोनपुर में आते हैं और सब लोग इनको अच्छा से जानते हैं। ये भी बेचारे एक सप्ताह रहे थे और चले गए सोनपुर, क्योंकि इस बार सब लोग जैसे आते हैं 5 दिन के अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि इस बार मेला में उतना जान नहीं था। ये सोनपुर मेला का सबसे छोटा घोड़ा था, 2 फीट का घोड़ा, और ये बेचारा रिपोर्टर से परेशान हो गया था। इसका भी मालिक भाग गया और प्लस घोड़ा भी भाग गया, देख सकते हैं, क्योंकि इसके पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी, घोड़ा को रेस्ट करने का टाइम नहीं होता था। ये देखिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सोनपुर मेला में